Do subscribe and don't forget to press the bell icon to get instant notifications. प्राचीन तीर्थ भरूच। गुजरात प्रदेश में भरूच अथवा भरूच का पुराना नाम भृगु क्षेत्र है। महर्षि भृगु का यह आश्रम था। यह पवित्र तीर्थ स्थल नर्मदा नदी के तट पर बसा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर नर्मदा नदी का संगम अरब सागर से होता है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भरूच एक प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध रहा है। महाभारत काल में उल्लेख मिलता है कि बलशाली भीम का पुत्र घटोत्कच भी यहाँ रहा था। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि राजा बलि ने यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए थे। यहाँ नर्मदा तट पर दशाश्वमेध घाट है, जहाँ श्राद्ध कर्म किया जाता है। पुरुषोत्तम मास में पंच तीर्थ यात्रा होती है। शास्त्रों में नर्मदा परिक्रमा का महत्व बतलाया गया है, जिसका आरंभ भरूच के पास नर्मदा के सागर संगम से होता है। यात्रीगण पैदल अमरकंटक तक जाते हैं और नर्मदा के उद्गम स्थान पर पूजा कर पुनः यहाँ वापस लौटते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म के मंदिर और स्तूप भी हैं, जो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किए गए थे। सागर में मिलने के पहले नर्मदा नदी की चौड़ाई काफ़ी अधिक हो गई है तथा इसके तट पर अनेक पुराने और नए घाटों पर पूजा स्थल विद्यमान हैं।